इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी मार्ट पर, जी हाँ, नीलम पार्क के सामने। आपको बता दें मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे प्रशासन भारी मात्रा में लगा हुआ है, यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। मैं आपको बता देती हूँ स्वास्थ्य विभाग से आशा उषा कार्यकर्ता यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि नियमितीकरण शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए। उन्होंने कई बार आवेदन दिए लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब हम चलते हैं और जानते हैं उन कार्यकर्ताओं से आखिर उनकी क्या मांगे। मेरा नाम कमला विश्वकर्मा है। किस तरह का प्रदर्शन यहाँ हो रहा है? यहाँ पे हम आशा उषा सहयोगिनी एकता संघ से हैं, तो हमारी मांगों को लेकर प्रदर्शन हुआ। किस तरह की मांगे हैं आपकी? हमारी 6 प्रकार की मांगे हैं। पहले हमारी 6 प्रकार की थी जब हमने 30 दिन कंटिन्यू किया था। फिर हमारा यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री जी और NRHM से कुछ हमारे अधिकारी आए थे, उनके बीच हमारी जो वार्ता हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप अभी ये हड़ताल स्थगित कर दीजिए, हम आपकी मांगें पूरी करेंगे। आज मतलब 5 तारीख को हमारे 30 दिन पूरे हो चुके थे। 5 तारीख के बाद हमने उनसे फिर से बोला कि आप हमारी मांगों पर विचार करिए, लेकिन आज तक कोई उन्हें विचार नहीं किया। मांगों की मैं बात करूँ तो क्या मुख्य मांग है आपकी? मुख्य हमारी 2 मांगे हैं। एक, हमें मतलब आशा को 2000 का वेतन दिया जाता है, वो जीने लायक वेतन 18000 दिया जाए, और आशा सहयोगी का जो वेतन है वो 7000 रुपया है, वो 21000 रुपया दिया जाए। किस तरह की मांगे हैं आपकी? हमको पहली मांग तो जो है हमको नियमितीकरण दिया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और हमको वेतन एक फिक्स वेतन फिक्स कर दिया जाए। हम आशाओं का हमारी मांग है 18000 रुपये देना। आप क्या चाहती हैं और क्या आपकी मांगे हैं विशेष तौर से? विशेष मांग तो हमारी जो 2 ही मांगे हैं, बाकी अलावा हमको कोई सहायता नहीं दी जाती है। सरकारी हॉस्पिटल में महापत्रता का व्यवहार किया जाता है, हम लोगों को कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता है। जो हम डिलीवरी लेकर जाते हैं तो वो दाई या हॉस्पिटल के जो भी कर्मचारी रहते हैं वो हमसे, हमको 2000 मिल रहे हैं, जो हम गाँव में मतलब लगातार काम कर रहे हैं तो वो हमसे है ना 2000 रुपये हमसे, मतलब डिलीवरी वाले जो जाता है हितग्राही उससे पैसे लेते हैं। आप लोगों ने आवेदन दिया किसी को अभी? जी हाँ दिया, हमने कई बार आवेदन दे चुके हैं। क्या आश्वासन मिलता है आपको? बस यही आश्वासन मिलता है कि हम आपकी मांगे ऊपर तक पहुँचाएंगे। तो आज किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं आप? रोड रोक रहे हैं क्या, जाम कर रहे हैं? हम सरकार से बस यही चाहते हैं कि हमारा एक फिक्स वेतन कर दिया जाए, बाकी का कुछ नहीं। समय दिया था हमारे को कि एक माह से हम लगातार हड़ताल कर रहे थे। 1 जून से हमारी अनिश्चित हड़ताल थी, उन्होंने सरकार ने हमको 10 दिन 5 दिन का मोहलत मांगी थी कि हमको 5 दिन की मोहलत दी जाए, तो हमने हमारी हड़ताल स्थगित कर दी थी। उसके बाद हमने स्थगित करने के बाद सरकार की तरफ से हमारी कोई मांगे पूरी नहीं की गई, अभी कोई हमको आदेश नहीं मिला। आपका पूरा नाम, परिचय, पद सब बता दीजिए। मेरा नाम श्रीमती राजकुमारी चौधरी, मैं ग्राम रेसलपुर से हूँ, जिला होशंगाबाद है, डोलरिया ब्लॉक, राजकुमारी चौधरी।